साधना के मार्ग में 22 परिसर का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, बड़ा आनंदमय पड़ाव है, उसकी चर्चा करने का मन है। अभी आधे एक घंटा पहले ही ऐसा भाव आया कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन पुरानी रचना है, लगभग बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाए। परिसर का मतलब सहना नहीं है, जीतना है। इसमें सह शब्द से भी ज्यादा कीमती शब्द है परी। परी माने सब और से। मात्र देह से नहीं जीतना, मात्र देह से नहीं जीतना, मन से और वचन से भी जीतना, कृतकारी अनुमोदना से भी जीतना, नौ कोटी से जीतना। यूं समझो, बहुत सरल भाषा में बोलूं, चर्चा तो बड़ी करेंगे अपन, मन में भाव उत्पन्न ना हो। 22 परिचय की चर्चा है, शॉर्ट में लेना है। बहुत विस्तार तो मैं करना ही चाहता हूं, कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितने पढ़ा दूं उसी तरह आप आगे भी पढ़ते जाना। जरूरत पड़ेगी तो हम बहुत सारे को एक साथ ले लेंगे। परिचय के पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। परिचय देह की चीज नहीं, शुरुआत देह से होती है, लेकिन देह की चीज नहीं। जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में भी कहता है नहीं खाना, मैं भूख लग रही है तो भी नहीं खाता, मिल जाए तो भी नहीं खाता, लेकिन इसका नाम परिचय नहीं है। ध्यान रखना, परिचय जय, जय माने जीतना, जीतना माने, अब जीतना माने शॉर्ट में बोल दो जल्दी से, मन में विकल्प उत्पन्न नहीं होना। अब बताओ, भोजन नहीं मिला, हम क्या करें, क्या करें? अभी तक क्या कर रहे थे अनादिकाल से? भोजन नहीं मिला तो इसको नहीं मिला, तुम्हें तो मिल गया ना, तुम्हें कौन सा भोजन चाहिए था? करें ज्ञान मय नित ही भोजन। आपको तो आत्मा होने, आप सरल भाषा पूछूं एक बार, आप में से किस किस ने आज तक रोटी खाई? हाथ खड़े करो, इस मुर्दे को दूर छोड़ो, इस डेड बॉडी की बात मत करो। किसने रोटी खाई है जिसे हम जीव कहते हैं? तुम जीव हो, तुम ज्ञायक हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें से कौन, तुम अब आत्मा हो, ध्यान रखना आत्मा। कौन ने रोटी खाई बताना जरा, कौन ने पानी पिया है बताओ जरा, पानी पिया किसी ने? तुम दो परिसर पढ़ेंगे इसमें से चला गए। चालू कर देना सही मारा है तो बोलो, खाया पिया किसने ये तो बताओ। तो पढ़ के सुना, बड़ी सुंदर रचना है, आपने पढ़ी होगी तो भी आपको मजा आएगा, नहीं पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ोगे जिंदगी में। मुझे बचपन से बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सोनागिर जी के मंदिर में ये रचना लिखी हुई है दीवारों पर, बड़े वाला जो चंद्रपुर भगवान का जिनाल है ना, बड़ा वाला, उसमें रचना लिखी हुई है। फिर इसकी देखा देखी कई जगह लिखी और, लेकिन सबसे पहले हमें वही देखी। मैंने गा के गाता हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मन भर आता है एकदम, बहुत जोरदार एकदम।
अनसन ओ नौदर तप पोषत पक्ष मास दिन बीत गए। जंगल का दृश्य है, दिगंबर मुनि भगवंत हैं। क्या हुआ? अनसन, अनसन तो समझते हैं उपवास, उन उधर पेट से कम भोजन करते, कम भोजन करते हैं। आपकी भाषा में कहते तो अल्पाहारी, प्रचंद साहब जी की भाषा में कहें तो युक्ताहारी। हमें युक्ताहारी का अर्थ अभी नहीं समझाऊंगा, थोड़ा उधर समझाया था जब शिविर लगा था 18 दिन का, उधर युक्ताहारी का समझाया था। युक्ताहारी माने योग्य आहार, योग्य आहार का मतलब जिससे साधना में बाधा नहीं आए। ऐसा आहार नहीं लेंगे जिससे प्रमाद आ जाए सामाई में, युक्ताहार। ऐसा आहार नहीं लेंगे जिससे नींद आने लगे, प्रमाद आने लगे, ऐसा नहीं लेंगे। शॉर्ट में इतना ही कहेंगे अभी, युक्ताहारी नवदा भक्ति से लेंगे, ये युक्ताहारी है। पांच इंद्री का पोषक नहीं लेंगे, पोषक नहीं लेंगे। पांच इंद्रियों की विषयों की पूर्ति तो करते हैं, विषयों की मतलब भोजन चाहिए इसको देंगे, शोषण नहीं करते लेकिन पोषण भी नहीं करती। बहुत सारी चर्चा है वो प्रवचन साजी में से देखना। अभी तो फिर से अनसन हो नौदर तप, तप है 12 प्रकार के तप, उसमें से अनसन और गुणोदर ले लिए दो। पक्ष मास कितने दिन बीत गए? 15 दिन और 30 दिन, मैंने पक्ष और मास। जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि, जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि, तो फिर क्या होगा? सुख अंग सब शिथिल भये। एक काम करो, 5-7 दिन का उपवास हो और सब में सिगरेट चढ़ो, चढ़ो। सुख अंग सब शिथिल भये। उपवास के दिन सामाई करना कैसा लगता है सोचो, जम के भूख लग रही हो और चक्कर से आ रहे हो, गर्मी के दिनों मई जून के, और आपने 3 दिन का उपवास कर लिया हो तो भली बात है कि जब अपन वो कौन से चौमासे के महीने में कर लेते हैं, मई जून की गर्मी में करो 10 दिन का उपवास। खैर हम कुछ नहीं कह रहे, ये दृष्टांत दे रहे। ओहो मुनि भगवंतों का सुख अंग सब शिथिल, चलने का मन नहीं करता, बैठने के नाम पे ऐसा लगती रीट गड्डी ऐसा झुक जाता है, माला भी फेरे थे ऐसे नहीं फेरी, आंखें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना अंदर से आनंद कम नहीं हुआ है, ये शरीर का वर्णन चल रहा है। मुनि भगवंतों का भी शरीर शिथिल हो जाता है, उठते नहीं बने, चलते नहीं बने, आहार लेने के लिए खड़े ना रह सके, घुटने कांपने लगे, जंगा का बल कम हो जाए। अब पूरा दृश्य देख लो, बाद में मैं पढ़ाऊंगा वेद विज्ञान तो बाद में कराऊंगा। तब तहां दोष है भूख की वेदन, तब तहां मैंने 1 महीने के उपवास के बाद, 15 दिन के उपवास के बाद, उनोदर भी कर रहे थे तो अंतराय बहुत आ गए, उनोदर भी कर रहे थे लेकिन एक घूट पानी ले बाहर निकल आया, दूसरे नार के लिए गए जीभ निकल आया, तीसरे दिन कोई छू गया, चौथे दिन कोई कपड़ा शुद्ध हो गया, बहुत भी बहुत है। अब नाना प्रकार के अंतराय, बहुत अंतराय जाए कभी, बहुत प्रकार 22 तरह के अंतराय वो देख लेना है। तब तहां दोष भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नए, नेक नेक समझते हो, किंचित मात्र भी हृदय ढीला नहीं पड़ा। कहा बता, अब मैं बताऊंगा आपको है ना। तिनके चरण कमल प्रति प्रतिदिन,
हाथ जोड़ हम शीश नए तिनके, समझ गए तिनके मतलब किनके, अब किनके, अब तिनके, तिनके माने किनके। ओहो ध्यान से सुनना, थोड़ी पथ प्रवचन प्रारंभ हो रहा है इसका। एक एक महीने का उपवास होने पर अथवा अंतराय बहुत आ जाने पर भी शरीर ऐसा हो गया, सूख गया, हड्डी हड्डी निकल आई, ऐसा होने पर भी नेक नए हैं, नेक नए हैं, नए मतलब बिल्कुल झुकते नहीं है। चलो भाई अब जी ऐसा समाज में ऐसे ही, अब क्या करें, अब कोई देख लाजे तो देना पड़ेगी, हमने तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब देख हो तो देना पड़ेगी। ऐसा विकल्प नहीं आता, सुनना ध्यान से, ऐसा विकल्प नहीं आता। जैसे तुम पहले ही बढ़िया थे, हमने कायगु दीक्षा ले ली जी, इसका नाम है नेक नई, नया कैसा विचार नहीं आता। आपकी भाषा में समझा दें, पछताते नहीं, पछताते नहीं है। एक तो हमने दीक्षा ली, अब हमें विधि नहीं मिल रही, हम क्या बताएं, समाज ऐसे ही है, समाज कब समझेगी, कोई को विकल्प भी नहीं है, सब तो दस दस बार खा रहे, हमें एक बार लेना है जिन्हें इतना भी शर्म नहीं आती। ये सब नए का अर्थ है, नेक ना, नेक नहीं, मैंने ऐसा विकल्प नहीं आता। सुनो अब करना, अब चारों से लगाएंगे इसमें। सुनो इस देह को यदि आहार नहीं मिलना हो तो सारा विश्व मिलकर के भी आहार नहीं दे सकता। ऐसे कैसे नहीं दे सकते, हम अपने घर में होते तो आज, हाँ तुम्हें लगता है ना यही घर में होते तो, घर में क्या कर लेते होता ना, हाथ खड़े कर कौन कौन घर में भोजन कर लेता है, हम सब कर लेते, नहीं कर पाते। जो वस्तु तुम्हारे पेट में जाने का योग नहीं हो तो नहीं जाती है। हम जब भोजन करने जाते हैं ना तो लोग बड़ी चाव से बहुत सारी चीजें बनाती, और अब पेट में नहीं जाना था तो ये आधा ही नहीं आती, वो ढकी रह जाती है। अब उन्होंने, अरे पंडित जी आपके लिए तो हमने बहुत भाव से बनाई थी, लेकिन तुम्हारी भी गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन इस देह में नहीं जाना ना उस चीज को। बोलो बोलो भैया, सब लोग मनवांछित खा लेते हो, हार्ट अटैक वाले ब्लड प्रेशर वाले सब मनवांछित खा लेते हैं, बोलो बोलो बोलो। कई बार मम्मी हलवा लेकर हाथ में खड़ी, बेटा हलवा खा ले, गुस्से में होता हमें नहीं खाना, पापा ने बाइक नहीं दिलाई अभी तक, ले अब चले बाइक का ही बहाना सही, लेकिन है टेस्टी और मनपसंद हलवा नहीं खाती, सामने रखा रह जाता नहीं खाना हमें। अरे बेटा आप क्या समझ रहे हो, कितनी भोजन करने बैठे इतने में एक फोन आया और थाली रखी रह जाती, परसने वाला परसता परसता रह जाता, लेने वाला लेते लेते रह जाता है। एक नहीं है, आप देख ना सर शांति से, आपके मन वांछित काम नहीं होता। कई बार झगड़ा चाय को लेके हो जाता है, पत्नी से हजार बार कहा मेरे मन पसंद एक कप चाय नहीं पिला पाती तू, ढंग की कड़क नहीं बना पाती, मैं जैसे पीते हो भगवान जाने, तू जब थोड़ा मीठी नहीं कर पाती जरा ज्यादा, मैं जो भी पता नहीं तेरे से कितनी बार कहा एक इलायची नहीं डाल पाती अब वो बोली जल्दी जल्दी भाजी जल्दी बना दिया, हम क्या करें, थोड़ी चीज रह गई, मैंने एक चीज के लिए झगड़ा है। जो लोग तीखा खाते हैं ना वे हमेशा रोते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं सब जगह तीखा मिले, वो तीखा खाने वाले को झट याद आता, अरे यार हरी मिर्च है क्या कहीं, हरी मिर्च नहीं है देखा। आप क्या समझते हो, कुल मिलाकर ये है आपके हाथ में नहीं। मैं काय की बात कह रहा हूं, तुम ये तो सोच रहे थे हम घर गृहस्थी में रहेंगे तो मन भर खाएंगे, देख के आओ मन भर कितने लोग खाते, देख के आओ, देखिए आप कितने लोग खा लेते हैं मन भर, मन भर तो समझ गए, मन भर माने 40 किलो नहीं मन भर माने 40 किलो भी होता है, 40 kg मन भर समझते हो, हाँ कितना, हाँ बिल्कुल सही, 13 और घड़ी सही है, 40 kg नहीं खा रहे मन भर माने मन पसंद नहीं खा पा रहे। करेंगे अपन दोनों का भेद भी है, साथ में तरसा परिचय भी ले लेता हूं, बहुत जोरदार है पिछला तो समझ गया ना थोड़ा थोड़ा, अभी और समझाऊंगा, अभी तो बहुत है इस पर चर्चा। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, इसका प्रवचन करने में 1 घंटा भी लगे तो कम, 2 घंटा लगे तो भी कम, पहले पढ़ देता हूँ, ये चला चला जाता है है वैसे तो इसमें से पढ़ सकता हूँ, कोई खास बात नहीं। पराधीन, पराधीन
देखो ब्रह्मणि भगवान आप कल्पना कर सकते हो, पति देवता और पत्नी देवी माने घर में 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, 25 साल, इसके बाद झिकझिक होती है, कैसा छौंक लगाया है, कैसा घी नहीं डाला, जो जो पता नहीं जैसा है। अब कल्पना करो एक दिगंबर मुनि भगवान आज उत्तर भारत में है, कल दक्षिण भारत में है, एक दक्षिण भारत के मुनिराज मां के रहने वाले उत्तर भारत में आ गए, अब उत्तर भारत का खान पान अलग, दक्षिण भारत का खान पान अलग है, गांव का भोजन अलग, शहरों का भोजन अलग। अब सोचो तुम अपने अपने को देखो, हाथ खड़े करवाऊं कि नहीं करवाऊं, तुम्हें कड़ी अपने घर की अच्छी लगती है कि नानी के घर की अच्छी लगती है? नानी के घर सही है ना। अब आप देखो आपने 10 घर में कड़ी खाई होगी लेकिन अपने को नानी की कड़ी याद आई यार। कड़ी तो अमेरिका में जितने लोग हैं ना, जब भी कोई बात आती ना कड़ी दाल चावल ऐसा कुछ, अरे वो तो हमने अपने दादी के हाथ का खाया था, बेचारे बनाने ही नहीं आता उन्हें। सत्यु तो हमारी वो नानी बनाती थी सत्यु, अब सत्यु अभी बनता हो तुम्हारे अभी नहीं बनता, और सत्यु तो भैया कैसा सौंधापन, पानी डालो शक्कर डालो और केरी का अचार के साथ खाओ, हमारे वो याद आता है। फिर से सोचो उत्तर दक्षिण भारत का भोजन में चावल मुख्य है, इडली डोसा आदि, और उत्तर भारत में कड़ी लपटा, समझते कि नहीं समझते, लचका लपटा बता वहां के मुहिरा आ जाए और कोई लचका खिला रहे हैं, जी क्या खिला रहे हैं ले ही जैसा यहाँ के वहां चले जाए। तो मैंने पहली बार वहां का आहार दान देखा, दक्षिण भारत में पहली बार एक मुहिराज का आहार दान देखा, तो वहां इडली डोसा वो दे रहे, इडली डोसा सांभर, कोई आहार कोई रोटी चढ़ाई दी रोटी का पता ही नहीं लग रहा, पूरा भोजन हो गया रोटी नहीं ली उन्होंने, वो जो बनती कड़ी वगैरह अपने जैसे बनता नहीं, वो कुछ है ही नहीं। तो भैया जी कैसा हमारा तो यही हार होता है। तब मैंने सोचा कि यहाँ का व्यक्ति वहां हार ले, गांव का व्यक्ति शहर में ले, शहर का गांव में ले, बड़ी राजा महाराजा थी, बहुत बड़ी राजा महाराजा कहाँ 56 प्रकार की भोग करते थे, और आज किसी ग्रामीण झोपड़ी में हार हो रहा है, समझ गया पराधीन। एक अर्थ समझ में आ गया, अब इससे भी खतरनाक अर्थ बताता हूं पराधीन, इसमें बहुत खतरनाक है। कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि गर्मा गर्म दूध या गर्मा गर्म पानी सो खुद तो पकड़ जा से खुद तो पकड़े कपड़ा से दी जा रहे और गर्मा गर्म पानी आ गया एकदम खोलता हुआ पानी, अब भी खुलाएगा 8:30 पे और 9:30 पे आ 10 बजे आ जितने बजे, अब एकदम खोलता पानी हाथ में आया, अब लेके पिए तो अंदर भी जले, सोचो पराधीन। चलो कोई बुजुर्ग हो तो समझदार भी हो, अभी नए नए बच्चे से हो भी तो उन्हें ये नहीं मालूम कैसे हार देना है, कब कौन सी चीज देना है। पराधीन पहले ही शब्द लिखाए, पराधीन मुनि वर की भिक्षा, कोई बात नहीं अर्थ तो बहुत बाकी है करूंगा धीरे धीरे। पर घर ले कहे कछु नाही, तुम क्या करोगे बोलो, यदि करेला नहीं खाना होता झट गया भी करेला हमें खाते भैया, तुम बना रहे थे एक काम करना थोड़ी आम की चटनी बना ले, अपन लोग क्या करें बोला मुनिराज क्या करते, पर घर लहे कहे कछु नाही, कड़वी तुमड़ी का हार वो लेते जा रहे, ऐसे नहीं लेते, ऐसे नहीं लेते, ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे कि सामने वाले को पता ही नहीं लगा कि कड़वी है और एक ले रहे हैं तो इन्हें कड़वा स्वाद आ रहा है, ऐसा पता ही नहीं लगने पाया, और फिर लेते जा रहे हैं तो फिर देते भी जा रहे, उन्हें क्या लग रहा है लोग ही बढ़िया है दिए तो दिए गए, उन्होंने पूरा भरपेट आ ले ली और वॉमिटिंग हो गई, कड़वी तुमड़ी के आ रहे वॉमिटिंग हो गई, अब जो ग्रहण किया था वो भी निकल गया, पानी भी निकल गया, सब निकल गया, अब कल 14 है अष्टमी जैसा जिसका रहो, और कल उपवास है, पिछले दिन का अंतराय है, फिर क्या हुआ, पर घर ले कहे कछु नाही। देखो मैं फिर कह रहा हूं, एक याद दिला रहा हूं तीसरी बार, अपनी पत्नी 20-25 साल से संग रह रही है,
तो भी अपने को बोलना पड़ता है, जरा काली मिर्ची को पानी बना दो, भला कर दो, जरा वो दे दो, अचार वगैरह नहीं कछू, पापड़ सेंक दो, तनक कुछ कहना पड़ता है। 25 साल संग रहते रहते हुए तो भी कहना पड़ता है। और मुनि भगवंत तो नए नए घर में जाती, नई नई जगह जाती, उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं बात प्रकृति है कि पित्त है कि कफ है। कई बार ऐसी अभी आगे इसमें ऐसी ऐसी सामग्री दे देते हैं जिससे कफ बढ़ जाता है, ऐसा भोजन दे देते हैं जिससे पित्त भड़क जाती है। पर घर ले कहें कछु नाही, पित्त भड़क जाता है। पढ़ता हूं देखो सुनो, प्रकृति विरोध पार ना भुंजत। इससे क्या हो जाता है, प्रकृति विरुद्ध पारणा ले लेने से क्या हो जाता है, प्रकृति विरुद्ध पारणा अभी समझाता हूं। प्रकृति विरुद्ध अभी इच्छा तो ऐसी हो रही कि इससे आगे बढ़ू नहीं, 6 पीरियड में 3 दिन यही विषय चला हूं आप, लेकिन पढ़ लेना आप सुन लेना। प्रकृति विरुद्ध आहार, जैसे कल्पना करो कि तुम्हें आहार देने वाले ने पर्याप्त पानी नहीं दिया और बाफला दे दिया, और गर्मी के दिन बोलो बाफला खाने के बाद क्या होता है, बढ़त प्यास की त्रास तहाई, अब प्यास लग रही। ऐसे ना समझ लोग होते हैं आहार दान देने वाले, गर्मी मई जून की गर्मी और बादाम भी तल के दे दी और काजू भी तल के दे दिए और मूंगफली के लड्डू भी बना दी, मूंगफली की बर्फी भी बना दी और मूंगफली सेंक के भी दे दिए नमकीन। प्रकृति विरोध, प्रकृति विरोध हो गया, गर्मी के दिन और गर्म गर्म चीजें दे दी, अब कब्जियत हो गई, अब पित्त भड़क गया, सर्दी हो गई, ये पेट खराब होने से सर्दी होती है, बढ़त प्यास की त्रास तहाई, ग्रीष्म काल गर्मी, ग्रीष्म काल पित्त अति कोपे, लोचन दोय फिरे जब जाही। समझ गए, आंखें फिर जाती हैं, इतनी प्यास हो जाती है, शरीर में इतना इतना गला सूख जाता है कि थूक भी नहीं आता, गुटकने की भी दिक्कत आने लगती है, आंखें पलट जाती है। लोचन दोय फिरे जब जाही, ये तो 3 लाइन शरीर की हुई, मुनिराज की नहीं हुई हो, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, ये 3 लाइन मुनिराज का वर्णन नहीं है, तो मुनिराज का कौन सा वर्णन है, अब सुनो। नीर न चहे जे है मुनिराज का वर्णन, ऐसे नहीं संकलेश कर रहे, आग उद्धा कर रहे, हम मरे जा रहे, प्यास लग रही, इन्हें तो दे दो खबर, इन्हें अक्कल ही नहीं है, संकलेश नहीं, ये है मुनि दशा। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो प्रचस्व संवेदन है, नीर न चाहिए, क्यों चाहते क्यों नहीं, और इस पॉइंट पे पीएचडी होगी, पीएचडी हो इतनी चर्चा से, नीर न चाहिए सहे से मुनि, जयवंतो बर तो जग माही, जयवंत रहो प्रभु, जयवंत रहो जगत में, जयवंत रहो। ठीक है, अब इन 2 की बात ही कर ले, अब तुम ले रहे हो कोई दिक्कत, पाठ पढ़ लिया मैंने बहुत बहुत, कितनी लोगों ने ये पाठ पढ़ा था अभी तक जिंदगी में, नहीं पढ़ा, एक ने भी नहीं पढ़ा, चलो अच्छा हुआ तो मैंने पढ़ लिया। रचनाएं बड़ी जोरदार, बहुत प्राचीन रचना है, बहुत प्राचीन। सुनो भाई, अब पराधीन मुनिवर की भिक्षा, अब यहां से फिर चालू कर रहे पराधीन मुनिवर की भिक्षा, लोगों को ऐसा आग्रह रहता है, ध्यान रखना 45 साल से छोटी उम्र के मुनिराज हो तो उन्हें बादाम नहीं देना चाहिए, रबड़ी ज्यादा नहीं देना चाहिए, ऐसी ऐसी ऐसे गरिष्ठ आहार नहीं देना चाहिए, तुम तो देके अलग हो जाओगे, उनके शरीर में क्या बीतेगी, युवा शरीर है, बल वीर है, तकलीफ होगी, आराधना में दोष नहीं लग जाए, किसी प्रकार का दूषण नहीं लगे, अजय विवेक होना ही जरूरत है, बादाम भी दे दी, फला भी दे दिए, ये प्रकृति विरुद्ध है,
अब सही बताऊं, ज्वाइंट फैमिली के बिना कोई आहार दान नहीं कर सकता। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है पता है आपको? 60-70 साल की जो 80 साल की दादी होती है ना, जैसे बैंक में 55-60 साल का जो आदमी होता है वो काम कम करता है, देखता ज्यादा है। मैनेजर को देखा तुमने काम करते हो कभी? मैनेजर काम नहीं करता, बैठा रहता है, फोन वोन लगे रहते, इंटरनल फोन रहते, क्या कह रहे थे, बात करता रहता, देखते रहता। आपको लगे जी ऐसे ही फालतू बैठा, फालतू नहीं बैठा वो, उसे 2-3 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। हेड ऑफ भी देखा है एचओडी, स्कूल कॉलेजों में एचओडी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, भी ज्यादा पढ़ाते वढ़ाते नहीं, एक आध पीरियड लेते हैं मुश्किल से। और फीस कितनी मिलती है उन्हें? सैलरी सबसे ज्यादा। ऐसे घर में 60-70-80 साल की महिलाएं सबसे कीमती होती हैं, वे काम कुछ नहीं करती, लेकिन उनका रहना 4 लाख रुपए की सैलरी के बराबर काम है। और बहू जो काम करती है 20-22 साल की, उसकी सैलरी का काम है 18,000-15,000 रुपए महीना का काम है। पंडित जी तुम तो बग मोह बिल्कुल विचार कैसे गिनते नहीं, वे 18 घंटा काम कर रहे हैं बेचारी। बता मालूम है जो मजदूर होता है वो ज्यादा काम करता है। बॉस सैनिटरी इंस्पेक्टर देखा आपने? सैनिटरी इंस्पेक्टर झाड़ू नहीं छूता वो, देखा कि नहीं देखा? सुबह सुबह देख लेना, सुबह 7-8 बजे वो मोटरसाइकिल घूमता रहता है, एक आध किताब में साफ पकड़ लेता है, वो देखता रहता है। कहा भाई गटर साफ नहीं हुई? कहा ऐसे देखता है, देख लेंगे कहाँ है उसका। तो बताओ वो जो गटर में झाड़ू लगाता है सुबह 4-5 बजे से, वो ज्यादा मेहनत करता है कि वो सैनिटरी इंस्पेक्टर? अरे बोलो ना, तो फीस कौन की ज्यादा है, सैलरी किसकी ज्यादा है? इंस्पेक्टर की ज्यादा है। और वो एक जो इंस्पेक्टर के ऊपर है वो तो ऑफिस से ही नहीं निकलता, वो वहीं बैठा रहता है, वो तो इतना भी नहीं कि मोटरसाइकिल घूम जाए, वो वहीं बैठा रहता है, उसकी सैलरी और ज्यादा होती है। नहीं होती, गलत कह रहा हूं उनको बोलो। मेरा मतलब है जो 60-70-80 वाले होते हैं ना, आहार दान देने दिलाने में बहुत समर्थ होते हैं, क्यों? उनके पास जीवन के अनुभव हैं, अनुभव कीमती होते हैं। काम करना, ध्यान रखना, काम करना अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे काम करना ये उनके पास पता होता है। आपने कभी बुजुर्गों को देखा है? ज्वाइंट फैमिली होंगी तो देखा होगा आपने, ज्वाइंट फैमिली जरा बच्चे को सर्दी हुई, ए बेटा वाह पिया दे दे जायफल दे दी, एक सेकंड बता दी। और आजकल की बहू जितनी होती ना, इधर की नहीं, इधर तो अच्छी है। आप बॉम्बे में जाके देखो, बॉम्बे में जरा बच्चे को सर्दी आई, नर्सिंग होम। हम उन्हें बेचारा पता ही नहीं कि जरा सी सर्दी हुई तो क्यों हुई। बॉम्बे में मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको, मेरे को रायपुर की बात सुना रहा हूं। रायपुर में अपने शास्त्री बच्चे हैं, शास्त्री इनमें से एक, मैं पिछली बार आया था तो एक की बच्ची छोटी सी थी, अब उसे सर्दी हो रही थी भयंकर। अब नाना इलाज करा चुके, नर्सिंग होम ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए, सब जगह ले गए, और वो बच्ची ठीक ही नहीं हो रही। तो मैं प्रवचन कर रहा था, मैंने पूछा क्यों भाई क्या बात है, तबीयत कैसी बच्ची? अरे साहब बहुत बीमार रहती है, सर्दी सर्दी हो रही, इसकी हमने जाने कितने टॉनिक पिला दिए, डॉक्टर दिखा दिए, यूनिवर्स वो क्या करा, नर्सिंग होम में सही नहीं हुए। मैं ढोर हो मेरा एक ही गाल ये, मैं तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम नर्सिंग होम जाने से पहले एक बार दादी को फोन कर लेते, दादी ये बच्ची को सर्दी हो रही बहुत परेशान हो रही, क्या करना है, उनसे पूछ लेते। अरे बेबी बुजुर्ग आदमी नहीं जी, तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, बता तू इलाज बता बोलो। इतने से बच्चे को इलाज नहीं करना है, उसकी मम्मी का इलाज करना, वो तो दूध पीती है, वो कौन केला खा रही जो पेट खराब हो, वो कौन से बाजार के लड्डू पेड़ा खा रही जिससे बीमार हो। अरे अम्मा को इलाज करो, बोले इसका क्या मतलब? मैं जी तो तुम नहीं समझते, जो बालक माँ का दूध पी रहा है, अम्मा खा रही चाय जैसा, चाय जैसा, तो उसकी सर्दी है, शीत है, वो पहुंचेगा बच्चे के अंश? ये जी तो हमने सोच ही नहीं, अब हम यही इसीलिए तो कह रहे दादा दादी की जरूरत है। सुनो आपको बताऊं, पूरा तो मैं नहीं बता सकता जितना जानता हूं, लेकिन आपको इशारा कर रहा हूं, कोई मुनि भगवत बिहार करते हुए आए, दादा दादी चेहरे देख के समझ गए लगता है अंतराय हो रहे बहुत, आंखों में अलामी है, लगता है रात को मच्छर बहुत रहे, ठंडक अभी ठंडी चीज देने पड़ेगी। सुनो कल गर्मी बहुत पड़ रही थी, देखो पित्त की असर, पित्त का नजर लक्षण दिख रही, इन्हें यह समझ जा रहे
झट आहार में बेसी व्यवस्था कर देते। अब पहले क्या कप हो रहा था और चावल दिए जा रहे हैं, इडली डोसा बोलते हमने बड़े भाव से बनाए, है तो तुम इडली डोसा तो सर्दी पहले ही हो रही बनाए, पेट पहले ही खराब हो रहा है, ऊपर से मूंगफली और पीस के दे रही खाओ। इसलिए बहुत विवेक की जरूरत है। अभी 60-70-80 वाले समझ सकते, नया कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। हमें तो एक ही आग्रह होता है, हमारे घर तो जिंदगी में पहली बार आ रहा है, कब आओगे आप, इसलिए आज ही आपको हम चक्रवर्ती जैसा भोजन कराएंगे। चक्रवर्ती बोलिए माने हमारे हम पुण्य मानने, और पुण्य मानने का सबसे सरल तरीका कौन सा है, तुम्हारी तुम जानो, हमें तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा है वो पराधीन मुनिवर की भिक्षा। बहुत आनंद लिया मैंने, आनंद लिया मैंने, ये है साधना। पर घर ले कहे कछु नाही, प्रकृति विरोध पारना। सोचो जरा आप, आपको 10 लग रहे हो, कोई कड़ी खिला दे आपको, बेसन खिला दे, पहले 10 लग रहे हो और आपको मंगोड़ा और खवा दे, खा। सोचो इमली की चटनी, पहले तो आगे सूझ रही इमली की चटनी और बहुत टेस्टी बनाई, बहुत टेस्टी, गोल डाल के आप ले ले, समझ गए बेटी। इसलिए हम कह रहे हैं नेचुरोपैथी सीख ले, जिन्हें भी अपने जीवन में करोड़ रुपए बचाना हो वे नेचुरोपैथी जरूर सीख ले। यदि आपको मुझे भगवंतों की सेवा करना हो नेचुरोपैथी सीखो, यदि आपको आचार्य पद लेना हो तो नेचुरोपैथी सीखो। नेचुरोपैथी का पता नहीं होगा, आज जितनी बीमारियां हो रही केवल नेचुरोपैथी के ज्ञान नहीं होने से। नेचुरोपैथी कहो या शरीर का ज्ञान कहो, प्रकृति का ज्ञान कहो, अब प्रकृति का ज्ञान ही नहीं है। सास बहू में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है इस बात को लेकर कि बहू को लाल मिर्ची अच्छी लगती है और सासू मना कर दी, बेटा अभी तो मां बनने वाली हो, बेटा अब लाल मिर्च मत खा। क्यों क्यों नहीं खा, अब उसे समझ में नहीं आती है। इसीलिए तो हम न्यारे होना चाहते, तुम अपनी जाओ, हम अलग रहेंगे अपने, हम और हमारा एक हम अलग रहेंगे। अब हम कोई कहने वाला नहीं, मेरी मम्मी थी अकेले रहते थे ना, मम्मी दादी तो इंदौर रहती थी, तो मेरे छोटा वाला भैया उसका जन्म होना था, तो मम्मी को जब कभी प्रेग्नेंट होती ना तो मिट्टी खाने की इच्छा होती, किसी चूना खाने की इच्छा होती, किसी को कोई ना कोई चीज खाने की इच्छा, तो उन्हें गोंद खाने की इच्छा होती, कच्ची गोंद, जब देखो जब मुंह में डालने वो चूसते रहे उसको, उसको गुटक जाए, तो अंदर जाकर के चारों तरफ भैया के चारों तरफ गोंद ही गोंद चिपक गई जाकर के हुई। अब जन्म के समय बहुत तकलीफ हुई, वो गोंद की वजह से चिकना चिकना छूट छूट जाए, पकड़ नहीं पाए उसको, बड़ी तकलीफ हुई। अब तुम्हें पढ़ा है उसमें आदिनाथ भगवान की पूजा में, माता खावे चर पर पढ़िए, पूजा पढ़िए, पढ़ी कि नहीं पढ़ी आदिनाथ भगवान की पूजा, कल पढ़ लेना, पढ़ना आदिनाथ भगवान की पूजा, माता खावे चर पर, और बच्चे को जो जलन होती है पेट में, तुम एक काम करो 100 ग्राम मिर्ची खाओ बेटे, लाल लाल बढ़िया सुर्ख तीखी वाली, नकली नहीं तीखी, और अंदर कैसी तकलीफ होगी, ऐसे बच्चे की सोचो जरा कैसी तकलीफ होगी। तो बुजुर्ग मम्मी होती थी, सासू होती थी, दादी होती थी, वो ध्यान रखती थी बात, बेटा इमली खाओ, जो उन्हें चटनी इमली की चटनी खा ली अच्छी से लगी तो और खा ली, आधी कटोरी खा गए, एक कटोरी खा गए, अब चटनी खा तो गए, लेकिन बच्चे पे क्या हो जाएगी ये तो सोचो। अब इतना विवेक दादा दादियों को होता है, ऐसे हम मुनिराजों के बारे में कह रहे हैं, मुनिराजों को आहार दान देने में कोई समर्थ है तो ज्वाइंट फैमिली में बड़े जो होंगे बोन से सीखो। आप दिगंबर मुनि भगवंतों को कौन सा आहार देना चाहिए, क्या बोल रहा हूं, कौन सा आहार देना चाहिए, इसका कोई मीनू सेट नहीं। क्यों नहीं मीनू सेट, अरे वो जरूरत हो तो दलिया देंगे, जरूरत हो तो छाछ देंगे, जरूरत है छाछ दे देंगे, भरपेट छाछ दे देंगे, छाछ बहुत बड़ा है, अच्छा बहुत ताकतवर चीज है छाछ, ये छाछ ही अकेला दिया, हाँ कोई बात नहीं छाछ अकेले दे देंगे। ये घटना है हस्तनापुर की, बहुत जोरदार। हस्तनापुर में एक मुनि भगवंत ने एक प्रतिज्ञा करी कि जिनके हाथों में मक्खन लगा होगा तो हमारी विधि होगी, नहीं तो नहीं होगी।
अब ऐसी विधि उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं हमारी विधि है। अब वो पूरे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है कितना सा है कितना सा, वो श्रावक तो है नहीं, गिनती के श्रावक होते हैं। अब वो सब में घूम लिया उन्होंने, तो सारे जितने लोग आए थे दिल्ली के लोग इधर उधर के लोग, उन्होंने बड़ा हंगामा कि विधि नहीं मिल रही, विधि नहीं मिल रही, विधि नहीं मिल रही, तो पूरे में हंगामा हो रहा सब। तो अब अंतिम घर था, अंतिम घर जहां उन्हें आना था, तो उस कोलाहल की वजह से वहां एक माता जी रहती थी ब्रह्मचारिणी जी, तो 80 साल की थी सुशीला जी, बहुत बुजुर्ग थी, तो वे छाछ बना रही थी, छाछ दही और घी निकालती थी, ठंडों के दिनों में घी निकालती थी, तो वो क्या करते दूध लाके दही जमाए और फिर उसको करके वो घी निकाल देते थे, साल भर का घी निकाल के रख लेते थे ठंडों में, तो बना रही थी। और अब वो हल्ला गुल्ला हुआ बाहर, तो वे समझ गए मक्खन, और वे ऐसे आकर दरवाजा खोला ही से ऐसे खोला, ऐसे आ खड़ी हो गई, और यहां से आई खड़ी, इतने भी महाराज जी वहीं आ गए, और इनके हाथ में दिख ही रहा था मक्खन, तो वहीं खड़े हो गए। मई जून की गर्मी की घटना है, अब खड़े हुए, अब इनके घबरा गई, इन्हें तो कोई आहार बनाया ही नहीं था, दाल नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं बनाया था ना, बना ही नहीं था। अब जी जल्दी से वापस कमरा बंद करके अंदर चली गई, ना इन्हें पड़ गया, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो चली गई, उस दिन उनका आहार नहीं हुआ। अब बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई कि हमने कुछ बनाया ही नहीं कुछ, तो फिर दोपहर में क्षमा मांगने के लिए गए उनके पास कि क्षमा करो, आज आपका आहार भी नहीं हुआ और हमारे यहाँ जैसे तैसे पड़ गए गए मणि भाग से, तो हम कुछ बनाया तो था ही नहीं, हम कैसे देते आपको कुछ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई, वो मुझे बहुत आपको शेयर करने ऐसी बात है, बोले यही तो अनुदिष्ट आहार है, आपके घर में पानी तो था, पानी तो था, मुनि भगवंत को 24 घंटा या 48 घंटे बिना पानी के रहेंगे, क्यों कल सुबह आहार हुआ तो आज सुबह तक 24 घंटे हो गए, अब अगले सुबह तक 48 घंटे हो जाएंगे। यदि आपके घर में पानी है तो आप पानी दे सकते थे, दही था, दूध था, छाछ थी, कुछ नहीं था, तो ये तो था, आप यही आहार में दे देते तो मुनि भगवंत को इतने 48 घंटे तक शरीर ऐसा नहीं रहता। हमें सीखने को मिली है बात, कभी मत सोचो यदि पड़गाए गए तो आज हमारे घर में जो है जो निर्दोष है पड़गा होगा, इसका पानी तो है, दूध तो है, और भी बहुत सामान होंगे यदि देखोगे आप गौर से, तो बहुत सामान, लेकिन कभी नहीं सोचो कि हम छोड़ देंगे। हरी बात समझ में आ रही भैया, पर घर ले कहे कछु नाही, ये तपस्या है, कहे नहीं मतलब कहने का विचार तक नहीं आता, इन्हें कैसे मालूम पड़ेगा, इनसे इन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। तो ग्रंथ में कितनी अच्छी बात लिखी है सुनने जैसी, श्रावक इतना समझदार होता है, ध्यान से सुनना, श्रावक इतना समझदार होता है, दो बार बोल दिया मैंने, तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, जैसे एक मां अबोले बालक की भाषा समझ जाती है। अबोला समझ गए, अबोला समझ गए, नहीं समझे, कितना सा बच्चा बोलता नहीं है, बताओ मां को कैसे पता लग जाता है इसे बाथरूम जाना है, मां को कैसे पता लग जाता है इसका पेट दुख रहा है, मां को कैसे मालूम पड़ा इसकी हंसली टर गई, मां को कैसे मालूम पड़ता है इसको प्यास लग रही होगी, मां को कैसे पता लगता है इसे भोजन की जरूरत है। जैसे एक मां अपने बालक को पहचान जाती है, ऐसे ही श्रावक मुनि भगवंत बोलते तो नहीं है लेकिन वो समझ जाता है। फिर से बोलूं, यदि अंधी भक्ति नहीं होगी तो समझ जाओगे, क्या बोल गए हम, क्या बोल गए, अंधी भक्ति नहीं होगी तो समझ जाओगे, और अंधी भक्ति होगी तो कभी नहीं समझ पाओगे। हमें नहीं मालूम आपका स्वास्थ्य कैसा हो, आपको बात हो, पित्त हो, कफ हो, आपकी आप जानो, हमें नहीं मालूम। हम तो इसलिए मैंने अभी क्या बोला था, दिगंबर मुनि भगवंतों के आहार में क्या बनाया जाता है इसकी कोई लिस्ट नहीं, जरूर पड़ेगी छाछ, जरूर पड़ेगी रोटी, जरूर पड़ेगा दाल चावल, जो भी होगा जरूर पड़ेगी सब्जी, जो होगा उनके अनुकूल होना चाहिए। ध्यान रखना आहार देने का राग नहीं हमें, कोई सुनना ध्यान से पूरी बात, उनकी साधना में बाधा नहीं पड़े ये राग है, क्या बोला हमने, उनकी साधना में बाधा नहीं पड़े उनकी आराधना बढ़े,
ये बात बोलूं थोड़ी, आरदान का प्रकरण आया ना थोड़ा देर, चौदह दशा का बोलो भैया, मुनि भगवंतों को आहार दान देने के बाद उत्कृष्ट भावना क्या होनी चाहिए, इनका आहार हमारे घर में बार बार हो, क्या होना चाहिए बोलो, रोज होते रहे इस तरह आहार। सुनो दी बेस्ट भावना बोलू, आज मेरा अन्न मेरा पानी धन हो गया, जिनकी आत्म साधना में पूर्णता में केवल ज्ञान में निमित्त हो जाया। आप क्या चाहते हो, रोज आहार लेने आना पड़े, ये अच्छी बात है, ये आहार लेने के बाद केवल ज्ञान हो जाए, कभी आहार लेने की जरूरत नहीं पड़े। बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो। दृष्टांत देता हूं, एक डॉक्टर के पास मरीज आए इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर की अच्छी भावना क्या होनी चाहिए बोलो, डॉक्टर की अच्छी भावना कौन सी होनी चाहिए, भैया हमारी तो एक ही भावना है, सेवा का अवसर रोज देते रहो ये नहीं है, योग्य डॉक्टर होगा वो कहे नहीं भैया हम नहीं चाहते तुम्हें रोज आना पड़े, कभी कभी नहीं आना पड़े, डॉक्टर बोले हमारी भावना है तुम्हें कभी ना आना पड़े। सुनो ऐसे शराबक कहता है, मुनि भगवंतों को कभी ना आना पड़े। श्रीमद जी के समय में कोई प्रसंग बना होगा, मुनि भगवंतों कोई प्रसंग बना होगा, थे ना, क्या नाम था सबसे ज्यादा फेमस नाम है, नहीं मुनिराज का लघुराज स्वामी, हाँ तो हाँ हाँ लल्लू जी भी थे, लेकिन ये लघुराज स्वामी की बात, तो वे बड़े वे चाहते नहीं थे कि मैं मुंह पट्टी लगाऊं, श्वेतांबर साहब चाहे मुंह पट्टी लगाना पड़े, मैं तो आपके संग ही रह जाऊं, मैं लगूंगा भाव तो मैं आपके संग ही रह जाऊं, मुझे वापस जाना पड़ता है समाज के भोजन के लिए, तो उन्होंने ये सका जी पापी पेट लगाए नहीं तो मैं जाऊं ही नहीं, ऐसा ना मैं आपका साथ छोड़ के कभी ना जाऊं यदि पापी पेट नहीं होता, अब आर की चर्या करना है तो मुंह पट्टी लगानी पड़ी है, उनकी प्रॉब्लम उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर बात है वो, श्रीमत जी ने कहा साधुओं का पेट श्रावकों का पुण्य का होता है, क्या क्या बोला, साधुओं का पेट श्रावकों का पुण्य का होता है, यदि उन्हें भूख नहीं लगती तो श्रावकों को कभी दर्शन ही नहीं मिलते, श्रावक तो अपना घर छोड़ के जंगल आते नहीं बार बार, और वे जंगल से आते नहीं क्यों, क्यों उन्हें आहार तो लेना नहीं, इसलिए आहार माने उनका जो पेट है ना ये श्रापों का महापुण्य का होता है। कल्पना करो कोई दीक्षा ले और जंगल में से मोक्ष चले जाए, पता ही नहीं लगेगा तुम लोग बैठे रह जाओगे यहीं, अच्छा है साधुओं को पेट है असल का साधुओं का पेट अच्छा है, इस माने का से चलता फिरता मोक्ष मार्ग अपने आंगन में तो आता है, अपने दर्शन तो मिल जाती, नहीं तो अपन तो इसी में लगे रहते दुकानदारी बच्चों के बीच में जिंदगी निकल जाती, इतना समय कहां मिलता है श्रावकों को, इस जंगल में जा जाकर के दो चार छह घंटे मुनिराजों को ढूंढे और फिर 160 दिन में कभी मिले, तो इसलिए भाग्य लिखा है। चलो वापस चलो, पराधीन मुनिवर की भिक्षा, ध्यान रखना वो, तो फिर पंडित जी तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, जो आप स्वरूप बता रहे ऐसा तो मुनि नहीं बन पाएंगे, विचार करना आप थोड़ा, वो मुनि नहीं बन पाएंगे। सुनो ये कर्णानियों की चर्चा ऐसी है जो आपको मुनि बनने के लिए सहज कर देगी, क्यों, क्योंकि कर्म का उदय के बिना कोई सामग्री नहीं मिलती, तुम घर में रहो तो भी, एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक विद्वान थे उनको पेट में कोई तकलीफ हुई होगी तो पैंक्रियाज का है किसी चीज का ऑपरेशन हुआ, हाथों का है जिसका भी ऑपरेशन हुआ मतलब अंदर पेट का, तो मैं उन्हें देखने गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि 10 दिन तक पानी की एक बूंद भी नहीं पियोगे नहीं तो अंदर टांके गल जाएंगे, ऑपरेशन किया तो 10 दिन या 5-7 दिन आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आप ये समझो उन्हें 7-8 दिन तक बिस्तर पे पड़े, उठना नहीं जाना नहीं, बाजार नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, और पड़े रहो लेटे रहो, और 24 घंटा में गया ना मिलने तो बार बार ये भी बात कह, भैया ये दो बूंद पानी डाल दे, ए भैया दो बूंद, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं दो बूंद पानी की, ऐसा लग रहा था जैसे अमृत हो, और जिस दिन डॉक्टर ने अनुमति दी ना 8-10 दिन बाद, तो
ऐसा लग रहा था जैसे विश्व का सबसे बड़ा अमृत पी रहे हो, पानी पानी, जिस पानी की अपन कीमत नहीं है, उस समय कीमत आती है जब पीने को नहीं मिलता। उस समय मुझे ये घटना याद आई, तुम क्या सोचते हो, तुम श्रावक हो, पैसे वाले हो और कपड़ा पहने हो, तो घर में तुम पानी पी लोगे, बीमारी होगी, पानी नहीं मिलेगा। कई बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, यहां से आहार नली डाल देते हैं वो, तो कहा तुम पी लेते हो, यहां से टेस्ट ले लेते हो क्यों, कितनी घटनाएं हो सकती है, सोचो, जरूरी नहीं आहार मिले। सुनो और बोलूं, आहार लेने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, भेद विज्ञान करो मैं आत्मा हूं। क्या कहा मैंने, भेद विज्ञान करो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर थोड़ी हूं, शरीर के लिए मिलना होगा जरूर मिलेगा, नहीं मिलना हो तो नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे उसके लिए, क्यों बिना भोजन के रह सकते हो, बोलो बेटे बिना भोजन के रह सकते हो, रहे हो अनंत काल से रहे हो, एक इंद्रिय में आहार नहीं किया, नरक में आहार नहीं मिला, तो अभी तो रहे हो, क्यों बिना पानी के रह सकते हो, गेहूं है ना, गेहूं गेहूं में वो हो जाते हैं धंधूरे, क्या बोलते हैं आप, तिरुला, क्या बोलते हैं आप, तिरुला है ना, तिरुला, जिंदगी में एक बूंद पानी नहीं पीते, वहां पानी की कहां व्यवस्था है, गेहूं के बोरे में, तुम्हारी गेहूं की टंकी में गेहूं भर दिया आपने, उसमें धंधूरे हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना, जीव हो जाते हैं, इल्लियां पड़ जाती हैं, बताओ उन्हें पानी कहां मिलता है, कहां से चलता है ये जीवन, कहां से खून बनता होगा, कहां से सब होता होगा, सब हो रहा है। सुनो, मैं देह नहीं हूं नंबर वन, देह को क्या क्या मिलना है, कर्मों के उदय के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है, इसलिए हम निश्चिंत हो गए, बस इसका नाम है मुनियों की साधना, इसका नाम है मुनियों की साधना। देह को पानी मिलना तो मिलेगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, भोजन मिलना तो मिलना, नहीं मिलना तो नहीं मिलना, हम बैठे अपनी मौन सा पर घर लाए हैं, कहें कछु नाही, जो न बने योग्य भिक्षा विधि। आपको बोलूं 99% योग्य भिक्षा विधि नहीं बनती, नहीं बनती, ये कह रहा हूं नहीं बनती, तब तो लिखा है या को कायर जिय नहीं चाहे, तपस्या को, तप के मामले में लिखा है, तप को कायर जिय नहीं चाहे, तप को महत पुरुष उम गावे। फिर से बोलो, तुम्हें रोज भोजन करने में मिठाई चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, फला टेस्टी चाहिए, कचोरी चाहिए, हाँ इसका मतलब है ये वासनाएं तुम्हें मुनि नहीं बनने देगी। क्या बोला, घर में ये साधना की जरूरत है, लेकिन करोगे कैसे, यदि आत्मा की खबर नहीं है, तुम अपने को शरीर माने बैठे हो और भोगों को ही सुख माने बैठे हो, तो सुख का तो त्याग कोई नहीं करना चाहेगा। क्या बोला, तुमने भोगों में सुख मान लिया, पंडित जी क्यों घर में मजे से रह रहे कि नहीं, पंडित जी बहुत मजा है, बहुत आइसक्रीम खाते हैं सुबह शाम, वो दाल रोटी चावल दाल बाफला लड्डू बाफला क्या क्या खाते, खा लिया हाँ, क्या रसमलाई बासुंदी क्या, माने जो जो आइटम है, यदि आपकी सुख बुद्धि है ना तो आप नहीं बन पाओगे। क्यों, जैसे ही मुनि दीक्षा होगी उसी दिन से गर्म पानी तो मिलेगा आपको, लेकिन रोटी ठंडी मिलेगी, दाल ठंडी मिलेगी, सब्जी ठंडी मिलेगी, जो जो भी मिलेगा ना सब ठंडा होगा, पर हमें ठंडो नहीं भावे, तो फिर समझो तुम्हें तो ठंडा नहीं भाता, मतलब मुनि नहीं बन पाओगे। और मुनि बनते ऐसे ही रोज, ऐसे जैसे बच्चे होते ना छोटे छोटे, वो मुंह सिकोड़ते, जैसे बच्चे के सामने दवाई लाए कड़वी वाली, केला खाया ना तुमने, केला, अब एक काम करो उसको फ्राई करके खाओ, फ्राई कर समझ केले को, क्या करते हो, अचित अचित करते अब खाओ, अरे यार मजा ही नहीं आ रहा। तो सुनो, इसीलिए मुनि दीक्षा मजे के लिए नहीं ली है, जिसे सारा जगह सुख मानता है पहले सुख बुद्धि त्यागी है, और उस सुख के त्याग के लिए हुआ है, ए सुख नहीं सुख के लिए हुआ है, सुख तो इधर है,
अब समझ आए दिगंबर मुनि दीक्षा का मतलब क्या है कि अंतर में भेद विज्ञान में आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। तुम्हारे चला था सुविधा और सुख नहीं, तुम्हारे नहीं चला, बता चला था सुविधा और सुख। तुम सुविधाओं को सुख मानते हो तब तक दीक्षा नहीं आ पाएगी। पंडित साहब ने बहुत सुंदर अर्थ किया, मुनि दीक्षा का प्रकरण है ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया, ग्रस्त अवस्था त्याग कर, ग्रस्त अवस्था त्याग कर। इसका इतना बड़ा प्रवचन किया पंडित, 4-6 घंटे का कम से कम, हो सकता है ज्यादा किया हो, लेकिन 4-6 घंटे का तो किया ही। तो हम लोग प्रेरणा करते ना हम लोग, तुम ग्रस्त अवस्था त्यागने का मतलब क्या समझते हो, ग्रस्ती छोड़ोगे? तो उसका अर्थ सुनो कि ग्रस्त हो जैसी सुविधाएं छोड़ो। समझिए एक लाइन में कितनी बड़ी बात करी, ग्रस्त दशा का त्याग माने ग्रस्तों जैसी सुविधा का त्याग, ग्रस्तों जैसी सोच का त्याग। जैसे ग्रस्त होते हैं ग्रस्त, जैसे बच्चे को देखते हैं, जैसे बच्चे को देखते लाजा बेटा पप्पू चुप हो जा है ना, अब तुम ब्रह्मचारी हो गए, तुम नहीं कर पाओगे, क्यों? तुमने ग्रस्त पाने का त्याग किया, नहीं तुम्हें खिलाने लगे। पंडित जी हम क्या करें, बच्चे तो अच्छे लगते हैं, बच्चे नहीं भगवान देखना सीखो, बच्चे देखना पाप है, बच्चे में भगवान देखो। आप बोलो कितनी मेहनत है दीक्षा लेने की, मेहनत समझ में आई कुछ? ग्रस्त हो जैसी सुविधा, ग्रस्त हो जैसा कमरा, ग्रस्त हो जैसी पंखा, ग्रस्त हो जैसी ललन, कितनी चीजें होती ग्रस्तों की, ग्रस्त हो जैसा भाषण, ग्रस्त हो जैसी हंसी मजाक, तैयारी कहलाती है, इसका नाम तैयारी। ग्रस्त हो जैसे बर्तन का भोजन, ग्रस्त हो जैसी सेल्फी। आप ब्रह्मचारी हो सेल्फी मत करो, सेल्फ को देखो, सेल्फी सेल्फी समझ गए, सेल्फ कौन है? अब अगर जी पता ही नहीं सेल्फ जी तो हमें इसका मतलब मिथ्यात है, क्यों गलती से तुम्हें जेल जाना पड़े तो तुम जेल के साथ सेल भी खींच के लाओगे? बोलो हैं? जेल के साथ सेल भी खींच के लाओगे? बोलो बोलो, जेल है तन काराग्रह, तन काराग्रह है, यदि हम मजबूरी में आ गए तो इसकी काई सेल भी खींचे, मिथ्या दृष्टि खींचेंगे, अज्ञानी खींचेंगे, समझदार तो नहीं खींचे। संजय दत्त तो एक भी खींच के लाया हो तो बता दे, बता कोई खींच के लाया हो, गया था ना वो 3.5-4 साल 5 साल की सजा स्पेशल बोनस के साथ छूट के आया हो, सेल भी लेके आया क्यों? किसी 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 कमरे में देखा था ना उसका वो वाला फोटो जेल वाला, नहीं देखा हुआ? क्योंकि हमें ध्यान रखो जब हम अपने को आत्मा जानते हैं, देह से भिन्न जानते हैं, तो देह और देह के भोग हमारे भोग नहीं है, देह का सुख हमारा सुख नहीं है, देह में जो कुछ हमने किया वो सब कल्पना है, वो हमें पसंद नहीं। इसका नाम है ग्रस्त अवस्था का त्याग, ग्रस्त जैसे संकलेश का त्याग, ग्रस्त को पानी नहीं मिले झट, क्या पानी नहीं गर्म किया तुमने अभी तक, मर जाए क्या करें, तुम लोगों को कुछ काम नहीं आता, नहीं अब तुम अब साधु हो गए तो पानी नहीं मिलने पर तुम ऐसे नहीं बोलोगे, सोचोगे भी नहीं, बोलना तो बहुत की बात। ग्रस्त हो जैसी सोच का त्याग, ग्रस्त हो जैसे बोलने का त्याग, समझ गए सब? लखाओ पिता, दादी दादी वगैरह होती है घरों में बूढ़े बुजुर्ग आदमी, तो उनको जब भी ढोक देती ना तो एक आशीर्वाद देते, दूध तो नहाओ पोतो फलो, समझ गए, दूध से नहाओ, अब दूध तो बचे नहीं, पोतो फलो, पोतो समझ गए नहीं, नहीं पुत्र नहीं समझते, पुत्र पुत्र फल है मतलब बच्चा हो। तो एक ब्रह्मचारी हमारे साथ थे तो उन्हें भी ढोक दी किसी ने, तो उन्हें दूध ना हो पुत्र फल, मैंने तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, तुम तो तुम ब्रह्मचारी हो। तो हम क्या बोला करें, अरे जी बोलो दर्शन विशुद्धि, दर्शन बुद्धि माने सम्यक दर्शन हो, पापी लोग नमस्कार करते हैं तो लिखा है सब आशीर्वाद लिखे हैं ग्रंथों में, पापी लोग नमस्कार करते हैं तो पाप क्षयम रस तुम्हारे पापों का अभाव, धर्मात्मा हो तो पुण्य वृद्धि रस तुम्हारा पुण्य बढ़े, तुम्हारी विशुद्धि वृद्धि रस्तु,
ऐसे आशीर्वाद दिखे सब। अब दिक्कत में क्यों बता रही बात क्यों बता रहा हूं पता ही नहीं है, इसलिए चारों नियों का अभ्यास करो कब कहां क्या बोलना चाहिए। सम्यक दृष्टि हो तो आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया जाता है, उसे पुण्य का आशीर्वाद नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने का आशीर्वाद। चलो भाई टाइम हो गया, समझ आई पाठ समझ आए, पढ़ना भाई ये पुराने पाठ हैं, 22 परिषद बहुत जोरदार पाठ है। अभी ये कुछ अर्थ नहीं किया वो, ये तो बहुत शॉर्ट में किया मैंने, पहले मेरे प्रवचन हुए में शायद 2-4 घंटे का प्रवचन, कम से कम एक एक छंद पे ही हुआ होगा, कम से कम 22 परिचय में कम से 65-66 प्रवचन किए थे, और ज्यादा ही किए होंगे पता नहीं, मतलब बहुत मेरा जब हम डूब जाते हैं ना अभी तो फास्ट कर रहे तुम्हारे यहाँ, नहीं तो चार होने को घटित करेंगे इसमें, इशारा तो कर दिया थोड़ा थोड़ा विचार करो पंडित जी, अब आहार की व्यवस्था नहीं तो हम दीक्षा कैसे लें, मत ले क्यों कि व्यवस्था देखने वाले दीक्षा नहीं लेती, इधर से सुनो जिन्हें वैराग्य होता है वो व्यवस्थाएं नहीं देखते, क्या कहा हमने व्यवस्थाएं देखने वाले व्यवस्था, सुनो ध्यान से व्यवस्थाएं देखने का काम श्रावक का है, ये तुम भी व्यवस्था ही देख के दीक्षा लोगे तो तुम व्यवस्था देख करके दीक्षा लोगे माने तुम श्रावक बनोगे, साधु नहीं बन पाओगे, तो साधु क्या करता है कि वैराग्य व्यवस्था नहीं ढूंढता। बहुत दृष्टांत देते हैं, बोलो कितने दृष्टांत चाहिए, जो तुम इलाज कराने की गरज होती है तुम व्यवस्था ढूंढते हो, क्या शर्त लगाते हो उससे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब पलंग खाली है कि नहीं और ये है कि नहीं वो है कि नहीं, और मेरे लिए तो बहुत तकलीफ होती है थोड़ी एसी जरूर चाहिए मुझे, देखो वो है तो बोलो नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, अरे तेरी गरज है तू 100 बार आएगा। ये बहुत सुंदर शब्द है पंडित साहब की चर्चाओं में, ध्यान रखना जो व्यवस्थाएं देखते उस पर कह रहा हूं, व्यवस्था नहीं देखना कभी, वैराग बढ़ा, वैराग बढ़ने के साथ साथ पुण्य बढ़ता है, इतना जोरदार पुण्य बढ़ता है बैराग के साथ, इतना सा आहार मिले तो पूरा पेट भर जाता है, कोई कड़वी तुमड़ी का आहार दे तो अमृत बन जाता है, कोई जहर भी दे दे ना मुनिराज को तो अमृत बन जाता है, चौथा ट्रिद्धि हो जाती है, जरा तुम ज्ञान की मस्ती तो लाओ, ध्रुव की मस्ती तो लाओ, करणानी को भेद विज्ञान तो करो, परिणामों का भरोसा तो करो। एक बात बोलू सब लोगों को, मनुष्यों को, अरे आप मनुष्य ना इसलिए कह रहा हूं आपको बोलू एक बात, चिंती कभी नहीं सोचती हम यहां से वहां जा रहे कुछ व्यवस्था है कि 84 लाख योनियों में कोई कीड़ी मकोड़ी पक्षी व्यवस्था नहीं ढूंढते, और उनके पुण्य को उदय सब जिंदा रहते हैं, पुण्य प्रमाण इतनी ठंडों में भी इतने इतने से बच्चे जिंदा रहते हैं, इतनी इतनी ठंड में इतनी गर्मी में इतने इतने से बच्चे पक्षियों के जिंदा रहते हैं, आयु प्रमाण जीते आप करणानी को भरोसा करो नहीं, सब पंचम काल है तुम उधर देख रहे, स्वयकाल देखो स्वयकाल, तुम इधर देखोगे तुम्हें सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। सुना करणानियों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है और द्रव्यानियों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आप अचलित रहिए, शिथिल मत होइए, विपरीत मत सोचिए, सही बात बताऊं जो विपरीत सोच सोच के कर्म बांधते ना उसी से तो करणानियों खराब होगा, बीपी सोच सोच के सकलिस कर करके उस व्यवस्था करे बिना नहीं बन सकती भैया, मांगे बिना नहीं मिलेगी, वो जुगाड़ तो लगाना पड़ेगी, जो छोटा सोचता है उसका पुण्य खत्म हो जाता है, उन्हें प्रैक्टिकल करके देखना, आज भी करके देखना, उत्कृष्ट विशुद्धि वाले जीवों को व्यवस्था आज भी देखना, अभ्यास करना, मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं जो जिनके अंदर की तैयारी सम्यक है उन्हें कोई कमी नहीं। अभी रास्ते में हमने कहा था जैसे ही हम शीतलाचार स्वीकार करते हैं हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, आगे बुद्धि खत्म हो जाती है, आगे बुद्धि सोच ही नहीं पाती कि इससे भी बढ़िया कोई रास्ता हो सकता है, हो सकता है बड़ा सुंदर रास्ता है। दो परिचय की चर्चा करी, छुदा और त्रषा, त्रषा में मैं एक दृश्य और देकर बात पूरी करता हूं, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को, आ रही हो तो 3 दिन भगा देने हो क्या करें, सच में कल्पना करो तो जम के प्यास लग रही हो, तुम्हारा नियम है कि उठा के पियोगे नहीं और मांगोगे नहीं, और अपन मेहमान बन के किसी घर में गए और उन्हें वो विकल्प ही नहीं आ रहा कि पानी को पूछे, और मटका सामने रखा है, गिलास रखा है, डंका भी रखा है,
और सब भर भर के पी रहे। अब मुनिराजों की दशा कैसी होती है कि ऐसी दशा में भी मां नहीं देखती, भरते तो है ही नहीं, उठाते तो है ही नहीं। जिसको हमारे बुंदेलखंड में कह रहे, मैंने उसकी भाषा का भाव तो है कि लालच ललचाना, ये ऐसे नहीं देख रहे। बुंदेलखंड की भाषा में कह रहे लला नहीं रहे लला नहीं रहे, समझ गए। जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा हो तो दूसरा बच्चा ललाता है, समझ गए, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा दूसरा। अब सोचो नदी का किनारा है और प्यास लग रही और ये नहीं लग रहा पानी, कोई पानी दे दे नहीं हो रहा, किस कितनी ये है तपस्या। क्या यदि इस देह को पानी मिलना है तो योग्य विधि से मिलेगा, नहीं मिले मत मिलो, देह छूटेगी क्या होगा, हमारा क्या छूटेगा, हमारी साधना नहीं छूटना चाहिए। आत्मा तो छूटता ही नहीं है, द्रगुण पर्याय तो छूटता ही नहीं है, हमारी आनंद नहीं छूटना चाहिए। देह जाए तो जाओ, देह जाए पर माया न बरते रोम में, लोभ नहीं हो प्रबल से निधान जो। अभी हाँ चर्चा बहुत है लेकिन उस समय तक पता नहीं कि बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए अभी याद दिला रहा हूं। 700 बरस कोढ़ और मुनिराज रेड्डीधारी थे, बेचारे थे, एक क्षण में रोग दूर कर लेते। क्या ये तपस्या, अंदर में रिद्धि है काय की, स्वस्थ करने की, और 700 बरस कोढ़ है, धन्य है। ये है साधना, जय है कर्णानियों का भरोसा, जय है अकर्ता पने का भरोसा, जय है अभोक्ता पने का भरोसा। सारा विश्व मिलकर के भी मेरी साधना खंडित नहीं कर सकता, ऐसे मुनि भगवंतों को नमस्कार करो, ऐसी साधना अपने जीवन में प्रकट करो। मुझे तो मजा ही आ गया जैसे इन्होंने बोला कि तो मैंने ये ले लेंगे, नहीं तो मैं दूसरा विषय लेने वाला था, वो थोड़ा गरिष्ठ था, लेकिन ये बहुत अच्छा है, छाछ की तरह है, पछता बहुत है ये लेकिन बहुत जोरदार साधना। अभी कुछ नहीं कही, अभी भी कुछ नहीं कही, इसमें PhD होनी चाहिए। बहुत रिसर्च करो, अपना जीवन बनाओ तो करो। ओम नमः शिवाय।